हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओलेवल गुरुजी। स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग की डिमांड आ रही थी, मेरे पास काफी मैसेजेस आ रहे थे और कमेंट्स आ रहे थे कि सर प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में एक वीडियो लाइए, तो वो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा बिल्कुल डिटेल में। ठीक है ना, कैसे आपको प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे देना है, ठीक है, उसमें एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं, कॉपी लिखनी होती है क्या कि नहीं लिखनी होती है, प्रैक्टिकल एग्जाम में प्रश्न आते कहां से है या वाइवा में क्या पूछा जाता है। ठीक है, तो ये वीडियो पे हम लोग यहाँ पे सारी आपकी क्वेरी को सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो वीडियो है हमारा 2023 का पहला वीडियो है, पहला एग्जाम हो रहा है हमारा जनवरी 2023 में, इसलिए यहां पर आपको प्रैक्टिकल की पूरी जानकारी मिलेगी, उसी के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल की सारी तैयारी भी यहां पे कराई जाएगी। तो जो लोग भी चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने हुए नोटिफिकेशन आइकन को भी, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले हमारे जो अब हमारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। कल से प्रैक्टिकल आपकी क्लासेस आपकी चलेंगी। आज मैं आपको बता रहा हूं कैसे क्या आता है, कैसे क्या आपको एग्जाम देना, सब कुछ आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों की डिमांड को देखते हुए क्लास आप लोगों के लिए स्पेशल क्लास लाया हूं मैं। और दूसरी बात, मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को जो M3R5 थी उसकी आंसर की आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया है, सीरीज नंबर 14 की। कुछ स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि सर M2 की भी करा दीजिए, तो बिल्कुल करा देंगे। आज इस क्लास के बाद आपको एक आंसर की M2 की भी मिलेगी। बस आप लोग को एक काम करना है, इस वाले हमारा जो नंबर है व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप लोगों को हमारा अपना जो पेपर है उसकी PDF हमें इस पे सेंड करनी है। ओके, उसके बाद आपके लिए क्लास आ जाएगी। लेकिन अब हमारी डेली प्रैक्टिकल की क्लास भी चलेंगी और आज की वीडियो में मैं आपको सब कुछ क्लियर कर देता हूँ, कैसा एग्जाम आता है, ऐसा क्या आता है, मैं सब कुछ आपको बता देता हूं। ओके, तो चलते हैं क्लास की तरफ। तो देखिए, सबसे पहले यहां पे है प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे देना है। तो सबसे पहले क्या है, आप लोगों के पास क्या है, जैसे कि आप लोगों का एडमिट कार्ड है, तो जिस तरह से आप लोगों का एडमिट कार्ड आया था किसके लिए, हमारा थ्योरी एग्जाम के लिए, उसी तरह से आपका एक एडमिट कार्ड आएगा प्रैक्टिकल के लिए। ठीक है, जो अप्रोक्स अभी तो नहीं आया है, बट अप्रोक्स आपका 20 जनवरी तक हम लोग 20 जनवरी तक आपको एडमिट कार्ड आ सकता है। ठीक है, 20 जनवरी तक आपका एडमिट कार्ड रहेगा। तो जो एडमिट कार्ड की डेट हो सकती है वो मे बी 20 जनवरी तक आपको मिलेगा। अभी अगर आप लोग देखेंगे तो जिस तरह से हम लोगों ने थ्योरी के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था, जो कि होता है student.nilit.in से जो आप लोगों ने किया था, उसी में आप लोगों को ओलेवल के सेक्शन पे जाइएगा। ओलेवल के सेक्शन पे जाने के बाद प्रैक्टिकल एग्जाम पे आप लोगों को जैसे आप लोगों ने थ्योरी के लिए डाउनलोड किया था उसी तरह से प्रैक्टिकल का भी डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इसके लिए भी एक वीडियो आ जाएगी। जैसे आप लोग के अगर प्रैक्टिकल का एग्जाम का एडमिट कार्ड आ जाती है, डेट आ जाती है, तो मैं आप लोग के लिए वीडियो ला दूंगा कैसे आप लोग उसको डाउनलोड करेंगे। ओके, जब प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड आ जाएगा फिर हमारे जो प्रैक्टिकल डेट है वो कब से है, 28 जनवरी से, ठीक है, और 8 फेब तक, ठीक है, 8 फरवरी के बीच में कभी भी आपके प्रैक्टिकल हो जाएंगे। तो अभी हमारी ये कोई श्योर नहीं है क्योंकि अभी एडमिट कार्ड नहीं आए हुए। ओके, इसके बीच में रहेगा। अब बात आती है इसमें कि प्रैक्टिकल हम लोगों को देना कैसे है। देखिए, पहले क्या होता था, अगर पहले की बात करें हम लोग, जब हमारा न्यू सिलेबस नहीं था, तो उसमें क्या होता था कि एक ही हम लोग प्रैक्टिकल देना पड़ता था चारों बुक का, मतलब एक प्रैक्टिकल रहता था इसके प्रीवियस सिलेबस में। ओके, तो जो प्रीवियस सिलेबस था उसमें कितना प्रैक्टिकल होते थे, एक होता था, और बुक्स कितनी, चारों बुक में से एक प्रैक्टिकल। और उसमें भी क्या होते थे कि हमसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे, हर बुक से एक एक क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे। ओवरऑल हमारा पहले का सिलेबस था उसमें हमारे 4 क्वेश्चन आते थे। अब जो कैसा फॉर्मेट आता है वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि जो एग्जाम का फॉर्मेट आता है तो कैसा आता है। लेकिन अब क्या हुआ है कि आप लोगों ने क्या है, अब तो सिलेबस में हमारा जो चेंजिंग आया है, वो जब सिलेबस चेंज हुआ है तो उस हिसाब से इन्होंने हर एक बुक का अलग अलग प्रैक्टिकल आप लोगों को देना होगा। जैसे हमारे पास 4 मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1 IT टूल्स, ठीक है, तो इसका आपको एक अलग प्रैक्टिकल देना पड़ेगा। जैसे जिन लोगों ने अभी तक दो एग्जाम दिए हुए थे M1 और M2 के, तो उनके 2 प्रैक्टिकल होंगे। ठीक है, एक प्रैक्टिकल उनका होगा आपका M1 का और दूसरा होगा M2 का। ठीक है, अब जैसे 28 से स्टार्ट हो रहे हैं प्रैक्टिकल, तो ये अब ऐसा रहेगा कि बैचेस में होते हैं, कि अब ये नहीं है कि सभी के 28 को ही हो जाए, फिर 29 को फिर दूसरे हो जाए। तो ये जैसे आपके एग्जाम हुए थे कि जो आपके एग्जाम डेट थी 14, 15, 16, 17, ये कंटिन्यू हुए थे, लेकिन प्रैक्टिकल कंटिन्यू नहीं है, इसलिए मैंने आपको बताया ना, इसके बीच में कभी भी हो सकते हैं। तो वो आपको पता चल जाएगा एडमिट कार्ड के थ्रू कि कब आपका कौन सा है। और इसमें क्या होता है कि शिफ्ट वाइज भी होता है, मॉर्निंग शिफ्ट में हो रहा, किसी का इवनिंग शिफ्ट में हो रहा, आफ्टरनून शिफ्ट में हो रहा, तो वो सब आपको मेंशन दिया किसका किस शिफ्ट में, क्योंकि जो आपके एग्जाम होते हैं वो बैचेस की फॉर्म में होते हैं, S1, S2, S3। जो मॉर्निंग बैच में पेपर आएगा तो मॉर्निंग वाला जिनका एग्जाम होगा उनके लिए सबके लिए सेम रहेगा, जिनका आफ्टरनून में रहेगा उनका आफ्टरनून वाले बैचेस का सब में रहेगा। ठीक है, इस तरह एक्चुअली उनमें कोड बटे होते हैं, S1, S2 टाइप का रहेगा।
ओके तो अब तो पहले क्या होता था, एक प्रैक्टिकल होता था और फोर बुक्स होती थी, और अब क्या होने लगा हमारा, अब तो हर एक बुक का अपना अपना अलग अलग आप लोगों को प्रैक्टिकल देना है, ठीक है। एम वन का आपको अलग देना है, एम टू का अलग देना है प्रैक्टिकल, और इसी के साथ साथ आपको किसका, एम थ्री का अलग प्रैक्टिकल देना है और एम फोर का भी अलग से प्रैक्टिकल देना है, ठीक है। तो जिन लोगों ने जितने भी एग्जाम फिल किए हैं सभी को अपने अपने प्रैक्टिकल देने होंगे, ओके। तो पहली बात तो हो गई ये वाली बात क्लियर। अब बात आती है कि प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे देना होता है, ठीक है। तो हमने जो आप बताया हुआ था और आपको कम्युनिटी टैब पे मैंने पहले ही बता दिया था कि आज जो क्लास आने वाली है, तो पहले आता है कि देना कैसे होता है। देखिए, जब आप एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा फिर आप लोग जाएंगे कि आपका सेंटर गया कहाँ है, ठीक है। जैसे कि आपका थ्योरी का सेंटर गया हुआ था उसी तरह से आपका एग्जामिनेशन सेंटर भी जाएगा। अब जब आपको ये पता चल जाएगा तो फिर आप जब वहां पे जाएंगे तो आपको मिलेगा एक क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो मतलब क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, उसमें ही आपको प्रैक्टिकल देना होगा, ओके। अब वो क्वेश्चन पेपर कैसा होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जो क्वेश्चन पेपर रहेगा, एक मेरे पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, मैं उसमें आपको बता देता हूँ। इस तरह से आपका एक क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, ठीक है। इसमें जो मैं आपसे बोल रहा था ना बैच वन बैच टू, तो देखिए एस टू बैच इनको बोलते हैं, ओ लेवल प्रैक्टिकल एस टू। अब मानी चलिए एस वन होगा तो वो क्या है, मान सकते हैं मॉर्निंग शिफ्ट का होगा या इवनिंग आफ्टरनून शिफ्ट का होगा। तो इस तरह से बैचेस में होते हैं एग्जाम। अब सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। ये ऊपर लिखा रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ लिखा है लेवल, तो आप लोग ओ लेवल का एग्जाम दे रहे हैं इसलिए आप लोग यहाँ पे लिखेंगे ओ। नेक्स्ट इसमें लिखा है, देखिए साफ साफ लिखा है 3 घंटे आपको मिलेंगे और मैक्सिमम हमारा जो प्रैक्टिकल रहेगा वो कितने मार्क्स का रहेगा, 100 मार्क्स का। देखिए एक क्या है कि जो आपका ओ लेवल है, मैं आपके लिए एक क्लास ला दूंगा, ओ लेवल में जो भी हमारी पासिंग मार्क्स होंगे वो वेटेज इसको लिया जाता है, ठीक है। जैसे कि थ्योरी में क्या है, 100 मार्क्स की थ्योरी थी तो उसमें आप लोगों को पास होने के लिए 33 चाहिए, ठीक है। अब ये भी जरूरी नहीं है कि आपके 33 आएंगे तो आप पास हो जाएंगे, है ना। तो इसके लिए मैं एक क्लास लाऊंगा कि आखिर वो किस तरह से होता है, लेकिन थोड़ा सा आप लोग ऊपर से समझिए मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। जैसे यहाँ पे आपके क्या है, 100 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होने वाला है, 18 मार्क्स फॉर प्रैक्टिकल एक्सरसाइज प्लस 20 मार्क्स फॉर वाइवा, ठीक है। तो 20 मार्क्स का आपका वाइवा होगा और उसके बाद आपका जो रहेगा 80 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल रहेगा जो कि आपको कंप्यूटर पे करने के लिए मिलेगा। अब मान के चलिए अगर आप लोग पास के लिए पूछें तो मैं से ये 100 है, 100 में से आपके सपोज 50 मार्क्स, मैंने कहा इसमें आप लोग मान के चलिए 100 में से आपको 50 मार्क्स लाने ही है, ठीक है। तो इसमें क्या लिया जाता है, वो लेवल में हमारा वेटेज लिया जाता है, ठीक है। वेटेज स्कोर क्या होगा, जैसे 100 में से आपके 50 आए हैं तो अगर आप कैलकुलेट करके देखें तो जो ओ लेवल है इसमें आपका रहेगा 50 जो आपके मार्क्स आए हैं इसका भी लिया जाएगा 40%, ठीक है। तो जैसे हम लोग परसेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, बिल्कुल मैथ के अकॉर्डिंग आप लोग इसका परसेंट कैलकुलेट कर लीजिए। तो अगर मैं आपके सामने करके दिखाऊं तो क्या होता है, परसेंट करने के लिए 50 आपका इतना आएगा टोटल, उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पे, जैसे हम लोग मैथ में कैलकुलेट करके बताते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन निकालेंगे। 50 आपके जो मार्क्स आए, मान के चलिए एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ, अगर 50 मार्क्स आते हैं 100 में से तो इसका हम लोग निकालेंगे 40%, ठीक है। तो जो क्योंकि जो प्रैक्टिकल का वेटेज स्कोर जाएगा वो 40% आएगा, उस 40% के अकॉर्डिंग जब इसमें हम लोग डिवाइड 100 करेंगे तो 50 का 40% कितना है, 20। तो प्रैक्टिकल में जो आपके मार्क्स आए उस टाइम पे मान के चलिए इसका जो वेटेज आया, जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल में एक तो आपको बात क्लियर हो गई कि जो प्रैक्टिकल होता है वो कितने मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल हो गया आपका 100 मार्क्स का। इस 100 मार्क्स में से मान के चलिए मैं एक एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, 50 मार्क्स आपके ऑप्टेन किए हैं, ठीक है। तो जो 50 मार्क्स आपने क्या किए, ऑप्टेन किए हैं, इस ऑप्टेन का भी क्या लिया जाता है, वेटेज लिया जाता है, ठीक है। तो जो इसका हम लोग निकालेंगे वेटेज, तो जो वेटेज स्कोर रहेगा इसका वो आपका रहेगा 40%। तो 50 का जो हमने 40% निकाला है वो कितना आएगा, 20 आया, ओके। अब इसी में अगर हम बात करें आपकी थ्योरी में, अगर थ्योरी में आपके 100 में से मान के चलिए जो आपके आंसर आपके सही है वो 60 आंसर आपके सही है। अब यहां पर आपका जो वेटेज लिया गया है ये कितने परसेंट लिया गया है, आप लोग लिख लीजिएगा, यहां पर लिया गया है 40%, ठीक है। ये क्या है, वेटेज लिया गया है किसका, 40%। अगर आप लोग यहाँ पे कोई कंफ्यूजिंग हो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जो आए हैं आपके उसमें 40% से हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया है, वेटेज कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट पे लिख दिया, वेटेज कैलकुलेट किया हुआ है यहाँ पे वेटेज। तो जो 40% से जो आपका वेटेज आया हुआ है वो कितना आया है हमारा यहाँ पे, जो मैंने आप लोगों को कैलकुलेट करके बता दिया है, वो आया है आपका यहाँ पे वेटेज को 20। तो 50 में से 20 आपका वेटेज स्कोर यहाँ पे कैलकुलेट होके आया है। अब थ्योरी में मैंने माना आपका कितना है, 60 मार्क्स आए हैं, और थ्योरी में भी क्या होता है हमारा 60% लिया जाता है वेटेज। तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, वेटेज जब हम लोग निकालेंगे वो किसका निकालेंगे, अब हम लोग थ्योरी का, क्योंकि प्रैक्टिकल का आपका मैंने निकाल दिया है, वो जो किसके अकॉर्डिंग निकाला है प्रैक्टिकल का,
अगर मार्क्स आए थे 50, अब थ्योरी में जो मार्क्स आए हैं वो कितने हैं 60 आए हैं, तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे वेटेज। तो इसका वेटेज हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, बिल्कुल सेम है जैसा अभी हम लोगों ने किया था। क्या करेंगे 60 मार्क्स आए हैं, इसका हमें 60% ही निकालना है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे मैथ के अकॉर्डिंग, तो आंसर कितना है 36। तो जो 36 आया हमारा, ये इसका वेटेज आया। अब जो आपका रिजल्ट आता है जिसमें हम लोग देखेंगे पास है क्या फेल है, तो इसको हम लोग इसी से कैलकुलेट करेंगे। जैसे रिजल्ट कैसे होगा इसमें, अब इस वेटेज को हम लोग ऐड करेंगे, वेटेज और यहाँ पे दूसरा वेटेज किसका लेंगे प्रैक्टिकल का। तो ये हो गया आपका जो 36 है वो किसका वेटेज है, हमारा थ्योरी का वेटेज है, और जो हमारा 20 है वो किसका वेटेज है, ये हमारा प्रैक्टिकल का वेटेज है। तो ऑल ओवर कितना आ गया हमारा वेटेज 36 प्लस 20, तो 36 प्लस 20 हमारा हो गया 56, जो कि हमारा पास है, ठीक है। जिस स्टूडेंट के मतलब वेटेज स्कोर का कैलकुलेट अपना कितना आना चाहिए 50 प्लस अगर आपका आता है तो वो हमारे पास होंगे, 50 से नीचे अगर वेटेज स्कोर आएगा तो वो स्टूडेंट हमारे फेल रहेंगे। इसलिए मैंने आपको कैलकुलेट करना भी बता दिया कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरह से वेटेज स्कोर हमारा कैलकुलेट होता है, कैलकुलेट होने के बाद ये हमारा जो वेटेज स्कोर का एडिशन है इसका जो आंसर आएगा ये हमारा पासिंग कहलाएगा। अगर ये है तो हमारे स्टूडेंट पास होंगे, ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने आपको बताया था कि जो लोग ये बोल रहे थे कि सर जैसे कि हमारे क्या बोलते हैं 33 मार्क्स है तो हम लोग क्या थ्योरी में पास है, तो देखिए उसका वेटेज लिया जाता है, ठीक है। इसके लिए अगर आप लोग कहेंगे तो एक स्पेशल क्लास में ले आऊंगा कैसे कैसे कैलकुलेट होते हैं और एग्जांपल से आपको समझा दूंगा, लेकिन देखा जाए तो इस तरह से हमारा कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा थोड़ा बहुत। बाकी अगर आप लोग बोलते हैं तो एक स्पेशल क्लास में वेटेज को कैलकुलेट करने के लिए ले आऊंगा, जिसमें मैं डिफरेंट एग्जांपल लेके आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है। तो अभी तक लेकिन आपको आइडिया मिल गया होगा कि हम लोग ये नहीं कह सकते 33 पे हम लोग ओ लेवल पास कर लेंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं है। बाकी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रैक्टिकल में 40% वेटेज लीजिए और थ्योरी में 60% वेटेज को लीजिए, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो अब क्या है कि मैं तो आपसे ये कहूंगा प्रैक्टिकल में और अच्छे से अच्छे बनाइए, अगर थ्योरी में थोड़े बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं तो प्रैक्टिकल आप लोगों को बहुत अच्छे से देना है। अब बात आती है कि प्रैक्टिकल की, जैसे मैं बोल रहा था आता किस तरह से है, तो मेरे पास एक पेपर है मैं आपको दिखा देता हूं, जो कि ये रहा आपका, ठीक है। सबसे पहले क्या है, राइट योर रजिस्ट्रेशन नंबर ऑन ओ लेवल स्पेस प्रोवाइडेड ऑन द टॉप, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करना है, देन नेक्स्ट ऑल द 3 क्वेश्चंस आर कंपलसरी इन केस ऑफ क्वेश्चन 3, ठीक है, मतलब 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तीनों आपको लेके कंपलसरी है करना। देखिए अभी तक जो मैंने आपको मैंने पहले बताया कि यहाँ पे पहले होता था एक प्रैक्टिकल 4 बुक, तो क्वेश्चन हमारे 4 होते थे, एक क्वेश्चन M1 से होता था, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा M2 से होता था, एक क्वेश्चन हमारा M3 से होता था और एक क्वेश्चन हमारा M4 से, तो 4 क्वेश्चन होते थे हमारे, ठीक है। तो 20-20 मार्क्स के पहले हमारे 4 क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है कि हर एक बुक का अलग अलग प्रैक्टिकल हो रहा है, ठीक है। तो कैसे एग्जाम देना यहां बारे बात कर रहे हैं, तो क्या है आपका कि यहां पे 3 क्वेश्चन मिलेंगे, ये तीनों क्वेश्चन जब हम लोग M1 का देंगे, जब हमारा M1 का रहेगा पहले दिन, तो जब हम M1 का देंगे तो उसमें तीनों क्वेश्चन आपको M1 से ही मिलेंगे, ओके। जैसे लिब्रो ऑफिस राइटर से हो सकता है, केएलसी से हो सकता है, इंप्रेस से हो सकता है, तो एक एक क्वेश्चन फंडामेंटल से भी हो सकता है। खैर मैं आपको तैयारी कराऊंगा तो वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, मैं सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लोगों को बता दीजिए यहाँ पे पूरी आपकी प्रैक्टिकल की मैं तैयारी करवा रहा हूँ M1 M2 की। नेक्स्ट है, द क्वेश्चन पेपर कम वर्कशीट कैन बी यूज फॉर राइटिंग एल्गोरिदम्स फ्लोचार्ट डॉक्यूमेंटेशन प्रोग्राम एंड आउटपुट रिजल्ट फॉर द रिलेवेंट हेडिंग्स। देखिए ये जो क्वेश्चन पेपर है ये ओ लेवल का ही है, बिल्कुल ऐसा ही आपको आना है यहाँ पे। लेकिन क्या लिखा है, क्वेश्चन पेपर कम वर्कशीट, जैसे कि आप लोगों ने थ्योरी एग्जाम दिया था तो आप लोग पेपर क्या है घर पे ले आए थे, ठीक है, लेकिन ये आपको घर पे ले आने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि इसी पर आपको आंसर भी लिखने होंगे, जो आप प्रैक्टिकल करेंगे उसका आंसर आप लोगों को करने के बाद आपको इसी पे लिखना है, ठीक है। कैसे लिखना है उसके लिए आप लोगों क्या है यहां पर स्पेस है, मैं आपको आगे दिखाता हूं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, द मैक्सिमम मार्क्स एलोटेड फॉर ईच एग्जाम इज गिवन बाय द पैरेंथेसिस, नीचे दिया हुआ है इसके बारे में। कैंडिडेट मस्ट रिटर्न द क्वेश्चन पेपर कम वर्कशीट टू द एग्जामिनर बिफोर लीविंग द एग्जाम हॉल, ठीक है। तो आप कुछ लेके नहीं आ सकते हैं, यही सीट आप लोगों को रिटर्न भी करनी है। ऑल द एग्जाम क्वेश्चन should be solved on the desktop PC and demonstrated to the examiner and observer, ठीक है। हमें solve करना है, फिर हमारे जो वहां से NLIT से आते हैं exam लेने के लिए examiner, उनको दिखाना है, और उसके बाद बोलो observer रहते हैं वो भी check करेंगे, क्योंकि वो आपको बता देंगे कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसको आपको save कहाँ करना है, ठीक है, वो आपको सब बता देंगे। Next, whenever value data have not been given to the question, the assume the data, ठीक है। अगर मान के चलो नहीं दी हुई है तो आप लोग assume कर लीजिए कोई भी data। अब ये जो है टू बी फिल्ड बाय द एग्जामिनर, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, यहाँ पे क्या है सब एग्जामिनर का काम है। द आइडेंटिटी ऑफ द कैंडिडेट हैज बीन वेरीफाइड एज पर द एडमिट कार्ड अटेंडेंस सीट, ठीक है, अटेंडेंस सीट भी याद रखिएगा। द कैंडिडेट हैज ऑल्सो फिल्ड आउट द रिलीवेंट कॉलम,
अब देखिए नेम ऑफ द एग्जामिनर, सिग्नेचर, ठीक है। अब जो भी आपका एग्जाम होगा तो यहाँ एग्जामिनर का रहेगा और ऑब्जर्वर का रहेगा, तो 80 मार्क्स और प्लस बायबा का ये नीचे दिया हुआ। तो यहाँ जो एग्जामिनर रहेगा वो यहाँ पे लिखेंगे, जो भी आपका मार्क्स रहेंगे ऑब्जर्वर यहाँ पे लिखेंगे, इस तरह से फिल होने के बाद बायबा का 20 मार्क्स रहेगा। तो 80 मार्क्स का आपका ये प्रैक्टिकल हो जाएगा, 20 नंबर का आपका बायबा होगा। तो ओवरऑल आपके 100 में से जो भी मार्क्स आएंगे वो यहाँ पर आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है। अब अगर मैं आपको एक ट्रिक बताऊं तो मैं आपको क्लियर एक बात बताता हूं जो कि मैंने काफी मतलब ऑब्जर्व की हुई है एग्जाम सेंटर में। देखिए कहीं कहीं पर तो ऐसा होता है, देखिए लेकिन आप लोगों को मैं फिर भी कहूंगा, पहले मैं आपको एक बात से और वार्न कर दे रहा हूं, जहां पे भी आप YouTube पे देख रहे हैं कि टॉप 10 बायबा क्वेश्चन, टॉप 20 बायबा क्वेश्चन, ये सब देखिए इन सब चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि जो बायबा क्वेश्चन होते हैं ये कोई जब बायबा लेने आते हैं एग्जामिनर ये देख वो कोई वीडियो देख के नहीं आते हैं सबसे पहले। तो आप लोग कोई भी ऐसी वीडियो को सर्च भी मत करिए YouTube पे जहां ये दे रहा हूं कि बायबा के टॉप 10 क्वेश्चन क्या होते हैं। आप खुद ही सोचिए कि जो एग्जामिनर आ रहा है उसके माइंड में क्या चल रहा, हम लोग नहीं कह सकते ना। तो आप लोग कैसे मान लेंगे कि टॉप 10 बायबा क्वेश्चन ये है, टॉप 10 ये, तो इस कप में मत पढ़िएगा। दूसरी बात क्या होता है, मैं अगर आपको एक ट्रिक बताऊं पास होने की, तो दूसरी बात ये है कि आप लोग बायबा अच्छे से दीजिए। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी एग्जामिनर हमारी ये कॉपी, मतलब ये रियर केस बता रहा हूं, मान के चलिए आपने यहां पे ये सॉल्व करोगे, मैं क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं, जब सॉल्व करोगे उस क्वेश्चन में क्या है कि आपको जो सॉल्यूशन करोगे, अगर आप बायबा से ज्यादा अच्छे रहोगे, आप जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे बायबा में, अगर आप आंसर दे रहे हो, पहली बात तो 4-5 क्वेश्चन पूछ लेंगे बहुत से बहुत, और आप अच्छे से आंसर देंगे तो क्या है एग्जामिनर आपको वैसे ही नंबर दे देगा, क्योंकि वो समझ जाएगा कि नहीं इन्होंने जब इन्होंने आंसर दिए है तो इसका मतलब प्रैक्टिकल भी काफी अच्छा किया हुआ है। तो बायबा में क्या होता है, एक हमारा एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की तरह रहता है, आप लोगों को बहुत अवेयर रहना है, अवेयर रहने के साथ साथ रिस्पेक्ट से बात करनी है, फालतू का कोई अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो स्किप कर देना है, बहस नहीं करनी है, बिल्कुल अच्छे से हमें एक डिसिप्लिन मैनर में हम लोगों को बायबा देना है, ठीक है, एक मैनर में फॉलो करके, ठीक है ना। अब इस तरह से यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है, बायबा के भी क्वेश्चन थोड़े मैं आपको बता दूंगा क्या पूछ सकते हैं। अब इस तरह से क्या आपको पेज मिलेगा, ठीक है, यहाँ भी फिल कर लीजिए, ये पेज मिलेगा जो भी आप सॉल्यूशन करेंगे, क्वेश्चन इसमें नीचे है एक्चुअली, ये देखिए क्वेश्चन यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, क्वेश्चन इस तरह से आएगा, जैसे लिखा है क्रिएट द वर्कशीट शोन अबव, सेव द फाइल विद दैट नेम, तो जब ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है, आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं सॉल्व करवाऊंगा आप लोगों को क्लासेस में, आज तो मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने आया हूं। इस तरह से पहला क्वेश्चन रहेगा, ये पूरा क्वेश्चन हम जब पहले हमें क्या करना है, पहले इस क्वेश्चन को हमें कंप्यूटर पर सॉल्व करना है, ठीक है, उस कंप्यूटर पे सॉल्व करने के बाद ओके फिर हमें जो स्टेप हम लोगों ने कंप्यूटर पे लिखे हुए हैं, कंप्यूटर पे किए हुए हैं, वहां हम लोग वो स्टेप हमें यहां लिखना है, ठीक है। तो स्टेप कैसे लिखना है, ऐसा मत लिख देना आप लोग पैराग्राफ बना के यहाँ पे जो भी आप लोगों ने किया है। देखिए क्या होगा, जितना क्लियरिटी से आप लोग प्रैक्टिकल देंगे उतना अच्छा एग्जामिनर को समझ में आएगा, उतने अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। तो यहां पर आपको सीधा लिखना है ऐसे स्टेप वन, तो स्टेप वन में ओपन अ लिब्रे ऑफिस राइटर, ठीक है। नेक्स्ट क्या करोगे, स्टेप टू, स्टेप टू में आपने मान के चले फाइल ओपन की या कुछ भी किया, तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा, ठीक है, बिल्कुल ऐसा लाइन से मत लिखिएगा कि बिल्कुल मिक्स हो जाए। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन रहेगा, पहले क्वेश्चन के बाद ये देखिए दूसरा पेज मिला है हमें, ये दूसरे क्वेश्चन के लिए मिला है, जैसे राइट एन एचटीएमएल प्रोग्राम टू क्रिएट अ फॉर्म, ये देखिए प्रीवियस है तो प्रीवियस में और वगैरह मिल गया, यहाँ पे भी 3 क्वेश्चन है। इस तरह से हो सकता है आपको ये चॉइस वाले ना मिले, सीधा सीधा आपको 3 क्वेश्चन मिले, क्योंकि ये देखिए ये एक प्रीवियस ईयर का राइट अ प्रोग्राम टू सी, ठीक है, सी लैंग्वेज आप लोगों के में है नहीं है, मैं तो सिर्फ एक पैटर्न के लिए लाया हूं, बाकी एग्जाम जैसा आना है उसके लिए हमारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, जो हमारा रियल जो अपना 2023 के सिलेबस पे बेस्ड है, मैं आप लोगों के लिए पेपर ला रहा हूं, वो आपके कंटिन्यू आपको कल से मिलते रहेंगे, जिसमें मैं आपको कंप्लीट प्रैक्टिकल पेपर बताऊंगा कैसे। तो मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताया कि इस तरह से आपको शीट मिलेगी। अब बात आती है, यहां आपने देखा हर एक क्वेश्चन को आपको कंप्यूटर पर सॉल्व करना है, और उसके नीचे उसका जो आपने स्टेप्स यहाँ पे लिखे हुए वो आप लोगों को यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। जितने 3 क्वेश्चन है तो 3 आपको ब्लैंक पेज मिलेंगे, वहां लिख देंगे। इन केस अगर आपको ब्लैंक पेज मान के चलिए सिर्फ आपको पेपर मिला, क्योंकि क्या है कहां कहीं पे क्या है, मैं ये भी थोड़ा सा ऑब्जर्व किया है कि इस बार सुनने में आया मेरे कि इस बार जो एग्जाम पेपर आएगा ऑनलाइन आएगा, इस तरह से आपको एक पेपर निकाल दिया जाएगा, फिर आपको A4 पेजेस भी दे सकते हैं, एक शीट भी दे सकते हैं, तो जो पेजेस या जो शीट मिले वो आप लोग उस पर भी कर सकते हैं, मतलब रहेगा पैटर्न यही। जैसे ये क्वेश्चन है यहाँ पर क्या है हमारा अटैच है ब्लैंक पेज, और मे भी हो सकता है कि आप लोग यहाँ पे अटैच ना हो तो अलग से आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पे हमने सॉल्यूशन लिख दिया, तो 3 क्वेश्चन आएंगे,
कंप्यूटर पे करना है, कंप्यूटर पे करने के बाद उनका सॉल्यूशन हमें ब्लैंक पेज पर लिखना है। ओके, आई होप आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ब्लैंक पेज पे लिखने के बाद फिर ये जो भी मैंने आप लोग स्टार्टिंग में बताया एग्जामिनर वगैरह जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये सब यहाँ पे पूरा कंप्लीट होगा एग्जामिनर के द्वारा, ऑब्जर्वर के द्वारा। 80 मार्क्स यहाँ से आपके कन्फर्म हो गए। इसके बाद बात आती है बायबा। तो देखिए 20 मार्क्स का बायबा आएगा। तो देखिए जिन लोगों ने अभी तक मतलब थ्योरी में कुछ डाउट वगैरह हो रहा है तो मैं उनको एक एडवाइस दूंगा, आप लोग बायबा में मार्क्स अपने बना लीजिए। क्योंकि आप लोगों को पता है मैंने यहाँ पे कितने लिए थे, अगर यहाँ पे देखा जाए तो मैंने यहाँ पे जो मार्क्स लिए थे ये वेटेज कैलकुलेट कर 20 लिए थे, इनकेस आपने 80 मार्क्स बना लिए, ठीक है। तो जब आप लोग 80 का वेटेज लेंगे तो काफी अपना शानदार रहेगा। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे अगर हम 80 का वेटेज निकालें, ठीक है, आपके 100 में से 80, तो वेटेज हमारा कितना होता है 40 होता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे तो आपके 32 यहाँ हो जाएंगे, ठीक है। तो जो वेटेज यहाँ 32 हो जाएंगे, और यहाँ पे अगर हम ऐड करेंगे जब यहाँ पर 32 इस बार हमारा वेटेज मिला तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे 32 तो यहाँ पर हमारे मार्क्स थोड़े और ज्यादा सही हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 40% हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इस तरह से आपका आ जाएगा। तो थोड़ा कोशिश करना है आप लोगों को कि अच्छे से अच्छा यहाँ पे आप लोगों को प्रैक्टिकल देना है। ओके, तो क्लियर हो गया होगा आपको। ओके, तो देखिए इस वेटेज के ऊपर मैं पूरी क्लास ला दूंगा कि आपको मिनिमम जैसे किसी ने 40 क्वेश्चन सही है तो कितना मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो 28 से पहले मैं एक वेटेज के ऊपर क्लास ला दूंगा जिससे आप लोग अपने उस तरह से तैयारी कर सकें कि आप लोग प्रैक्टिकल और अच्छा दे सकें। तो क्या होगा, आप लोग के माइंड में रहेगा वेटेज कैसे कैलकुलेट हो रहा, तो मैं कुछ मार्क्स का एग्जाम्पल लेकर आप लोगों को वेटेज निकलवा दूंगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को मैंने बता दिया, शीट इस तरह से आएगी, उस तरह से आप लोगों को करना है। तो 20 मार्क्स के बायबा में अब क्या क्या पूछा जा सकता है, तो देखिए जैसे M1 का है तो हो सकता है कि जो आप लोगों को यहाँ पे शीट मिले उसी में से कुछ क्वेश्चन पूछ लें कि भाई डेटा वैलिडेशन क्या होता है, लिब्रे ऑफिस राइटर में सीट लिब्रे ऑफिस कैलसी से पूछ ले सीट कैसे बनाते हैं, कंप्यूटर की जनरेशन क्या होती है, और कभी कभी ये भी हुआ है कि एमएस ऑफिस भी पूछा गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग शॉर्टकट कीज वगैरह भी पढ़ लीजिएगा तो ये बायबा में पूछे जा सकते हैं। और इनकेस तो देखिए कभी कभी तो ऐसा होता है 2-4 क्वेश्चन ही पूछ ले जाते हैं, और मैंने थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस किया हुआ है कहीं कहीं तो क्या है एग्जामिनर पूछते हैं और कहां से हो कैसे हो थोड़ा थोड़ा सा फैमिली का मतलब जो कभी ज्यादा सीरियस नहीं थोड़ा सा फ्रेंकली रहते हैं उस तरह से पूछ के और देखेंगे आपको ऑब्जर्व करेंगे हाँ आप पढ़ने में कैसे हो। बस मेन चीज है डिसिप्लिन मेंटेन करना एग्जामिनर के सामने, ठीक है, हम लोग को बहस नहीं करनी है, 2-4 क्वेश्चन पूछेंगे और उसके बाद आपका बायबा हो जाएगा। तो कभी कभी क्या होगा बायबा अच्छा होता है तो हमारे मार्क्स बायबा से ही अच्छे खासे बन जाते हैं, क्योंकि जो आप यहाँ पर एग्जामिनर ऑब्जर्वर जब बायबा होता है तो वो समझ जाएंगे कि नहीं स्टूडेंट को नॉलेज है, तो जल्दी जल्दी में कभी कभी वो ये कॉपियां भी नहीं देखते और बायबा के अकॉर्डिंग ही हमें नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी मैंने ऐसा नहीं बोला हमेशा रहेगा, तो आप लोगों को लेकिन फोकस अच्छे से करना है, ठीक है। पेपर बताई दिए मैंने आपको, 3 क्वेश्चन आएंगे, तीनों क्वेश्चन के देखिए मार्क्स होंगे किस तरह से, सभी क्वेश्चन के मार्क्स उसके नीचे लिखे होते हैं। जैसे मैं यहां आया तो देखिए ये पहला क्वेश्चन 25 मार्क्स का है, ठीक है, ऐसे मैं नीचे आया और इसके बाद नीचे करने के बाद और आया हो तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 25, तो 25 और 25 कितने होगा हमारे 50, और 80 मार्क्स का होता है तो लास्ट क्वेश्चन हमारा 30 मार्क्स का मिलेगा, ठीक है। इस पे फोकस मत कीजिएगा, ये हमारा प्रीवियस ईयर का है, जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा उसमें मैं आपको बता दूंगा। तो 80 मार्क्स ये होगा, 20 मार्क्स बायबा। आई होप आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक डिस्कस कर लिया, कैसे देना है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कॉपी लिखनी होती है बिल्कुल लिखनी होती है, प्रैक्टिकल एग्जाम प्रश्न आते कहां से हैं, तो वहीं से आते हैं जो अपन लोगों ने टॉपिक पढ़े, M1 राइटर हो गया, लिब्रे ऑफिस हो गया, कैलसी हो गया, इम्प्रेस हो गया, फंडामेंटल, बायबा में क्या पूछा जाता है, सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को एक वीडियो में प्रोवाइड करा दिए, ठीक है। आई होप आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये हमारा बाकी तो मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम में बताई दिया है, अब ये मैंने जरूरी नहीं है कि आपको इस तरह से अटैच मिले, मे भी हो सकता है अटैच ना भी मिले, तो आप लोगों को ये रहेगा। एक छोटी सी बात नोट करने की है कि मे भी थोड़ा सा आप लोग अपने जहां पे आपका सेंटर गया वहां पे क्लियर कर लीजिएगा। देखिए क्या होता था, पहले जो होता था वो फाइलें बनती थी, ठीक है ना, मतलब जैसे कि आप लोगों के 4 पेपर थे तो 4 पेपर जब एक प्रैक्टिकल होता था उसमें एक प्रैक्टिकल फाइल भी हमें देना पड़ती थी किसी भी एक टॉपिक पे। तो जो मेरा अजम्पशन है जो हमारे यहाँ पे होता है हमारा जो सेंटर है उसमें होता है तो उसमें क्या है कि हम लोग हर एक प्रैक्टिकल की एक एक फाइल भी बनवाते हैं, ठीक है। तो आप लोग अपनी अपनी जगह पे पता कर लीजिएगा आपको फाइल की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। तो अगर आप लोग जैसे M1 है तो M1 का किसी भी एक टॉपिक में फाइल, क्योंकि पहले क्या होता था चारों पेपर में कोई भी एक टॉपिक पे फाइल बना के सबमिट होती थी। अब क्या है कि अगर एक एक प्रैक्टिकल है तो हर एक प्रैक्टिकल की हम लोग एक एक फाइल भी सबमिट करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोग अपनी जगह पे पता करिएगा, हमारे यहाँ होता कहीं नहीं होता है, इस वजह से हमने आपको क्लियर कर दिया। तो प्रैक्टिकल फाइल भी हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो आई होप जो भी आपकी क्वेरीज थी वो आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी एग्जाम सेंटर से रिलेटेड, या एग्जाम कैसे देना, प्रैक्टिकल कैसा आता है, सब मैंने आपको बता दिया है।
इसके बाद बात आती है कि अब जो आपकी तैयारी, तो देखिए मैंने आपको ये वीडियो दिया, अब मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए लूंगा वेटेज स्कोर के लिए, ठीक है। काफी लोग, क्योंकि मैंने कमेंट बॉक्स में देखा था, ये बोल रहे थे 33 पे पास है, तो देखिए आपके सामने है 33 से ऐसे नहीं बोल सकते हम लोग 33 से पास है, क्योंकि सबका क्या है वेटेज लिया जाएगा। अगर किसी पर्सन अगर 33 का अगर हम एग्जाम्पल ले लें, किसी ने कहा 33 पे पास है, तो देखिए 33 का अगर हम 60% निकालें वेटेज, तो कितना निकल रहा है आप लोगों के सामने है, ठीक है, कितना 19 मार्क्स आ रहे हैं ओनली, ठीक है 19 मार्क्स यहाँ पर आ रहे हैं। तो समझ जाइए कि हमें वेटेज कितना चाहिए, फिर हमें वेटेज की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, कम से कम हमें वेटेज लेना पड़ेगा पास होने के लिए 32, ठीक है। तो 32 वेटेज निकालना पड़ेगा, कहां से निकालना पड़ेगा वो हमें निकालना पड़ेगा प्रैक्टिकल से, ठीक है। तो जब हम लोग प्रैक्टिकल से वेटेज निकालना पड़ेगा तो बहुत ज्यादा वेटेज लेना पड़ेगा, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर कुछ लोग बोल रहे हैं कि किसी के नंबर क्या है 33 या 35 है, तो उन लोगों को तैयारी प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर लाने की करनी चाहिए, जिससे कि क्या है उनका प्रैक्टिकल में पास होके वो अपना वेटेज स्कोर क्या हो जाए उनका 50+ हो जाए और वो आसानी से पास हो जाए। क्योंकि आपको भी पता है अगर हमें यहाँ पे वेटेज की रिक्वायरमेंट है, तो आप लोग अगर यहाँ पे माइनस करूं मैं कितना हमें 50 मार्क्स चाहिए, तो हमें वेटेज कितना चाहिए 30 का करीब वेटेज हमें लेना पड़ेगा, तब जाके हम लोग उसमें पास होंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारी ये जो आपकी जानकारी थी वो मैंने आपको दी है, कैसे क्या करना है, कैसे प्रैक्टिकल होता है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अब प्रैक्टिकल की तैयारी हमारी नेक्स्ट क्लास से प्रैक्टिकल की तैयारी है, जो कि हमारी कल से शुरू हो रही है। पहले मैं M1 के आपको प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस और सॉल्यूशन में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो बाकी जो लोग कुछ लोग आंसर की के लिए मुझे कॉमेंट कर रहे हैं, तो ठीक है मैं उनके आंसर की दे दूंगा, आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिए हमारे इस नंबर पर, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि प्रैक्टिकल के साथ साथ हो सकता है आपको डेली आंसर की ना मिले, एक दिन छोड़ के एक दिन आंसर की आपको मिलती जाएगी। तो प्लीज अपना बुकलेट नंबर भी हमें बता के भेजे, ताकि हम लोग इंट्रोड्यूस कर पाए, ठीक है। तो आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा, आपकी डिमांड पे ये वीडियो थी, आगे आप जिस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो चले मिलते हैं आप सीधे प्रैक्टिकल क्लास के साथ, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।